ये हम लोग पहले हाथ से डिजाइन करते हैं, जैसे चेन है और अभी ये चेन तैयार हो रही है। अच्छा, सेम चीज ये हमने है? पहले ये कस्टमाइज तैयार हो रही है। ये सारे ये माउंट्स हैं, ठीक है, ये प्रिंसेस कट माउंट्स हैं, ये सब हम हांगकांग से बनवाते हैं। अच्छा जी, आप ये देखिए क्या बात, इसके अंदर क्या है कि आपने जैसे अपनी वेडिंग के लिए या एंगेजमेंट के लिए कुछ पसंद करना है तो जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको हाफ कैरेट का पीस लगवाना है, 1 कैरेट का लगाना है, 2 कैरेट का लगाना है। इतना अच्छा गेटअप आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गला भर गया जी। ऐसा नहीं लगता जोधा अकबर वाली बिल्कुल बिल्कुल। ये बुल्गारी का डिजाइन है, अच्छा कले भी चोपड़ा ने पहना था जी, ब्रांडेड ज्वेलरी का, क्या बात, एक डिजाइन है बहुत ही शानदार। ये देखिए 1437 आखिर में लिखा हुआ, ठीक बात है, मतलब सेम देखिए आपको जो है, और यहाँ पर भी सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन है। कोई मैं हम लोग के यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश रहती है कि जितना ट्रांसपेरेंस हो सके जी, उतनी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी तो हमारे साथ हमारा कस्टमर जुड़ा रहेगा। कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है लेडीज की कि उनकी जो गर्दन में स्टिफनेस रहती है, कई सेट चोकर्स वगैरह रहते हैं उनमें स्टिफनेस बहुत रहती है, पर हमारे यहाँ पर जो इस चीज पे ध्यान देना चाहता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रह सकती है। अच्छा, ये देखिए, ये लो जी, मतलब पूरे मुट्ठी में आ जा रहा सर, ये क्या बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है सर। नॉर्मली 30-40% तो नॉर्मली फर्क रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी के अंदर। मतलब अगर वहाँ पे 1 लाख का है तो यहाँ पर नियर अबाउट 70,000 में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, रेट से अलग चीज है, मैं फिनिशिंग में भी कहूँगा कि फिनिशिंग में भी फर्क रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा शानदार, एकदम धमाकेदार। आज फिर से हम आप लोगों को एक डायमंड मैन्युफैक्चरर के पास लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों की डिमांड आती रहती है कि आप लोगों को ज्वेलरीज लेनी है रीजनेबल रेट के साथ, तो मैन्युफैक्चरर से सस्ता आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और क्वालिटी फिनिशिंग एकदम ज़बरदस्त यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज फिर से मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ वाचा ज्वेल्स पे, जहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है। डायमंड गोल्ड ज्वेलरीज की काफ़ी रेंज, काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ पर मिल जाती है, और कस्टमाइज आपको कराना है तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको देखिए प्राइस डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं क्या क्या वैराइटीज़ है, क्या क्या रेंज है। अगर आप लोग को डील करना है, आप लोग को ऑनलाइन मंगाना है, तो आप लोग कैसे मंगाएंगे सारा कुछ बताता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वाचा ज्वेल्स के शोरूम के अंदर, और यहाँ पे आशीष सर हमारे साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते जी, मेरा नाम आशीष मित्तल है जी। मैं आज वाचा ज्वेल्स को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सर, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा कंपनी का ब्रीफ बता दीजिए, आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं यहाँ पर? हम लोग बेसिकली डायमंड ज्वेलरी में डील करते हैं जी, गोल्ड ब्राइडल सेट्स में डील करते हैं, ब्राइडल ज्वेलरी जो गोल्ड की होती है उसमें डील करते हैं, राइट, जो डायमंड पोल की ब्राइडल ज्वेलरी होती है उसमें डील करते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं डायमंड ज्वेलरी के। अच्छा, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर है सारे वही, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। ये काम मैंने 17 साल पहले शुरू किया था, अच्छा, क्योंकि मेरे फोर फादर्स का ये काम नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊँ जी। और ये काम मेरे एक पैशन था कि डायमंड ज्वेलरी के अंदर बाई चांस ये समझे गॉड गिफ्ट हो गया कि मेरे को डायमंड ज्वेलरी के अंदर आने का मौका मिला, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस काम को करने के लिए, क्योंकि लोग ऐसा ट्रेड की तरह करते हैं और मैं ऐसा आर्टिस्टिक तौर पे शुरू कर रहा था मैंने ये काम, क्योंकि ये एक आर्ट है सच्ची बताऊं तो, बिल्कुल। और जब आर्ट से आपको प्यार हो जाता है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से और अपने पैशन से करते हैं, राइट। तो जितने डिजाइन हमारे यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर हैं ये सारे पहले हैंडमेड होते हैं। अच्छा, ये कागज पे हाथ से बनाए जाते हैं। इसमें फल दिखाई, मतलब कहा जैसा, तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड के अंदर है। हाँ बिल्कुल जी, और उसके ऊपर फिर ये कारीगरों से बनवाया जाता है। ये हम लोग पहले हाथ से डिजाइन करते हैं, जैसे चेन है और अभी ये चेन तैयार हो रही है। अच्छा, सेम चीज क्या ये हमने पहले ये कस्टमाइज तैयार हो रही है, ये हमने पहले ये डिजाइनर से तैयार करवाया, मतलब स्केच पेन हमने डिजाइन यहाँ पे तैयार करवाया। हाँ, पहले हमने यहाँ स्केच पेन से तैयार करवाया पेपर वर्क के ऊपर, राइट, फिर हमने डिजाइन पहले अपने कस्टमर को दिखाया, फिर उसको हमने डिजाइनर से गोल्ड से जो गोल्ड क्राफ्टमैन होते हैं उनसे, इन हाउस क्राफ्टमैन है मेरे जितने भी सारे हैं उनसे तैयार करवाया। अभी इसमें सेटिंग हो रही है, अप्रॉक्स इसके अंदर 4,500 डायमंड लगेंगे अभी। अच्छा, हाँ जी, और ये अभी 1.5 महीना हो गया, इसको 10 दिन अभी और लगेगा तैयार होने में, तो ये हम सारा तैयार करवा रहे हैं। देखिए सारी चीजें, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ज्वेलरीज बनती हैं डायमंड की, बिल्कुल बनती हैं। इस तरह से आप ये देखिए कि जैसे एक एक डिजाइन होता है ये हाथ से तैयार होता है यहाँ पर। अच्छा जी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्या बात है, ये सारी डिजाइन हाथ से तैयार होते हैं। उसके बाद ये ऐसे मोल्ड्स इनके बन के आते हैं जिसको हम डायमंड माउल्ड्स कहते हैं जी। इसके अंदर डायमंड्स नहीं लगे हुए, ये देखिए आप। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए ये डायमंड माउंट्स, ये क्यूबन चेन है जो आजकल चल रही है, MC10 और सिंगर्स डाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, इसमें डायमंड लगेगा, ये डायमंड लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो ये पेंडेंट्स है,
अच्छा जी, इस टाइप के बड़े बड़े ये ऑर्डर बेस बनते हैं और इसके अंदर भी डायमंड लगेंगे। अच्छा, ये एक चीज हाथ से तैयार करी जाती है बकायदा, उसके ऊपर डायमंड लगेंगे और ये लूज डायमंड आते हैं हम लोगों के पास, जैसे आप ये देखिए। अरे वाह, ये लूज डायमंड आते हैं हम लोगों के पास और उसके बाद हम कारीगर से इसको तैयार कराते हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि हम लोग डायमंड ज्वेलरी का ट्रेड का मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं, जो हम सप्लाई करते हैं एज अ होलसेलर्स को भी और रिटेल काउंटर्स पे भी, बिल्कुल, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता कि डायमंड ज्वेलरीज मतलब लेते वक्त क्या क्या मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए, तो क्या क्या उसमें कर सकते हैं? पहले तो बहुत सारी चीजें होती थी, एक ट्रस्ट लेवल ही होता था, राइट, कि सिर्फ आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पर अब की आज की तारीख में बहुत इजी हो गया है, गोल्ड हॉलमार्क हो गया है, बिल्कुल, आपका आपके सर्टिफिकेशन बनने लगा है, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जी। अच्छा, ये सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट होते हैं, क्या कलर प्योरिटी है, नेचुरल डायमंड है कि नहीं। हाँ, नेचुरल डायमंड से एक चीज याद आई, आजकल मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड का बहुत फाइट चल रहा है, लैब ग्रोन डायमंड काफी ज्यादा मतलब लोग सस्ते भी ले लेते हैं उसको, बिल्कुल, बट नेचुरल डायमंड नेचुरल होता है, वो माइनिंग से निकाला जाता है, और लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, वो बनाया जाता है मशीन में, मैन मेड डायमंड होता है बेसिकली, राइट। नेचुरल डायमंड का कभी भी आपका जो प्राइस है कभी कम नहीं होगा। अच्छा, पर मैन मेड डायमंड क्या है कि जैसे आपकी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन लगा लोगे, जैसी मशीन लगेगी लोग 24 आवर्स काम करके उसके लिए उसकी सप्लाई पूरी कर सकते हैं, मतलब कहा जाए तो कम हो जाएगी, बिल्कुल, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। जब कोई चीज बनने लग जाती है, आप इनहाउस बना सकते हो, आज आप 8 घंटे में 10 पीस बनाते हो, 24 घंटे काम करके 30 पीस बनाओगे तो आप क्या करोगे, सस्ते में दोगे उसको, बिल्कुल, उसकी कॉस्टिंग सेम। पर नेचुरल डायमंड में आप ऐसे नहीं कर सकते, नेचुरल डायमंड में आपको क्या होगा कि आपके चाहने के बाद भी वो चीज इजिली नहीं निकल सकती, ठीक बात है, उसके लिए आपको पूरी फाइट लगानी पड़ेगी जो आप नेचुरल प्रोसेस से शुरू करते हैं। तो नेचुरल डायमंड सर मेरे ख्याल से जो लैब ग्रोन डायमंड है वो आफ्टर सेल वैल्यू भी उनका कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, आफ्टर सेल वैल्यू उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं रहती लैब ग्रोन डायमंड की, बिल्कुल, नेचुरल डायमंड की आफ्टर सेल वैल्यू पूरी बनी रहती है। तो इसका ये मेन एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, आप ये देखिए सारे डिजाइन हम लोगों के हैं, ये सब नेचुरल डायमंड के अंदर है, ठीक है, ये नेकलेस सेट है सर, ये सब नेकलेस सेट, क्या बात है। तो सर स्टार्टिंग की जैसे मैं बात करूं तो मतलब कितने स्टार्टिंग हो जाती है? वैसे तो स्टार्टिंग रेंज नोस्पिन से शुरू हो जाती है, बट हमारे पास लाइट रिंग्स है। अच्छा, मैं आपको लाइट रिंग्स दिखाना चाहूंगा जो 10,000 से शुरू हो जाती है, ठीक है, वो भी इस वजह से कि 10,000 से अभी शुरू हो रही है कि गोल्ड के प्राइस थोड़े से बढ़ गए, वरना ये 8,000 से स्टार्ट थी। अच्छा, 8,000 से स्टार्ट थी, पहले अब ये 10,000 से स्टार्ट हो गई है शुरू। ओके, क्या बात है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार। मैं कुछ और सॉलिटेयर माउंट सेट से दिखाना चाहूंगा, सॉलिटेयर लाइट रिंग्स, सॉलिटेयर रिंग्स, ये देखिए ये सॉलिटेयर माउंट्स है, लाइट रिंग्स, सॉलिटेयर रिंग्स देखेंगे, इसके अंदर सॉलिटर्स नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, अब जैसे ये माउंट्स हैं, ये सारे ये माउंट्स हैं, ठीक है, ये प्रिंसेस कट माउंट्स हैं, ये सब हम हांगकांग से बनवाते हैं। अच्छा जी, आप ये देखिए क्या बात, इसके अंदर क्या है कि आपने जैसे अपनी वेडिंग के लिए या एंगेजमेंट के लिए कुछ पसंद करना है, तो जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको हाफ कैरेट का पीस लगवाना है, 1 कैरेट का लगाना है, 2 कैरेट का लगाना है, अकॉर्डिंग टू आपके बजट पॉकेट के हिसाब से, ठीक है, आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ओके, मतलब जैसे डायमंड आप चाहो वैसा आप इसमें लगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि बहुत हम लोग मार्केट से सस्ता सोना दे रहे हैं जी, सस्ती लेबर दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट के रेट के हिसाब से भी सस्ता देते हैं। हाँ, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट कोई सस्ता सोना कभी नहीं देती, जो गोल्ड का रेट है हम भी उसी में दे रहे हैं जी। हमारी लेबर औरों से हो सकता है आपको 100 रुपीज महंगी पड़े, बट हमारे यहाँ फिनिशिंग औरों से बेटर होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सपोज गोल्ड का सेट आपका 50 ग्राम में बनता है, तो हमारे यहाँ पर वो उसकी कॉस्टिंग 40 ग्राम की होगी। अच्छा, पर आपको जो लेबर है 100 रुपीज अगर एक्स्ट्रा पड़ रही है तो उसमें से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे आपके। अच्छा, पर 10 ग्राम अगर गोल्ड एक्स्ट्रा गया तो आपके 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ये सॉलिटर एंगेजमेंट रिंग है, ये 40,000 की रिंग है। अब सॉलिटर एंगेजमेंट रिंग 40,000 की है, ये 40,000 की है, ठीक है। ये देखिए सॉलिटर्स लगे हुए हैं, ये सॉलिटर एंगेजमेंट रिंग है, छोटे साइज के हैं इसमें सारे, मैंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू बजट जी। लोगों के हिसाब से सॉलिटर एंगेजमेंट रिंग 1 लाख से नीचे आती नहीं, मिनिमम भी जाए तो, बिल्कुल, पर ये 40,000 की सॉलिटर एंगेजमेंट रिंग्स है, क्या बात है। और ये आप अपनी एनिवर्सरी के ऊपर वेडिंग जो कपल्स होते हैं वो सब इनको गिफ्ट करना होता है, ठीक है। इसमें सब डिटेल सारी मेंशन होती है सर, कितना गोल्ड है, सब डिटेल्स होती है, देखिए आप जी। फॉर एग्जांपल हमने ये रिंग ली, इसके ऊपर लिखा है कि गोल्ड वेट कितना है,
गोल्ड वेट आफ्टर डायमंड लेस होने के बाद कितना है? अच्छा, कई लोग डायमंड को भी गोल्ड के वेट में वेट कर देते हैं, हमारे यहाँ डायमंड का वजन भी लेस किया जाता है गोल्ड से। ठीक है, तो और उसके बाद ये डायमंड का वेट कितना है? ओके, हॉलमार्क है प्रॉपर, हॉलमार्क स्टैम्प लगी हुई है, हॉलमार्क है प्रॉपर यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मेंशन होंगी, और इसके बाद भी एक सर्टिफिकेट मिलता है इस टाइप का। बिल्कुल, उसके अंदर सारी क्या क्वालिटी है, क्या कट है, ये सारी देखिए एक्सेलेंट डायमंड, सारा 14 कैरेट है, ये सब ऑथेंटिकेट लैब सर्टिफाइड होते हैं ये। ठीक है, मतलब देखिए पूरी डिटेल आपको देखिए इस तरीके से प्रॉपर जेन्युइन मिलेगी, रिंग से लेकर के आपको 10 लाख तक के चोकर्स, 12 लाख तक के चोकर सारे मिलेंगे आपको। क्या बात है, देखिए उसमें इस तरीके से ये देखिए हैवी चोकर भी देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब मैं बात करूँ तो इसमें डायमंड की देखिए वैरायटीज आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी मिल जाएगी। अब ये देखिए गोल्ड के ब्राइडल सेट्स हैं, ये सारे हम लोग कोयम्बटूर से बनवाते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ से नहीं बनवाते, मतलब साउथ की मैन्युफैक्चरिंग है ये। हाँ जी, ओके, ये देखिए मतलब कहा जाए तो एकदम एंटीक डिजाइन है। सही, बिल्कुल एंटीक डिजाइनर पीसेस हैं। अरे वाह, इसको बनने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अच्छा, ये रफली मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं सर, ये कितने वेट के होंगे? ये अप्रॉक्स मैंने आपको क्या कहा, ये अप्रॉक्स आपका नेट वेट, इसका वैसे ग्रॉस वेट है 95 ग्राम। ठीक है, पर लेकिन हमने क्या कहा, कुंदन आपका ये स्टोन सब लेस होकर 67 ग्राम है। अच्छा, आप ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज। हाँ, हम लोग स्टोन के पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, बट कोई स्टोन इसके अंदर तोलेंगे नहीं। अच्छा, कोई स्टोन वेट गोल्ड के मतलब जो गोल्ड का पैसा देना है वो 67 ग्राम का ही देना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये इतनी फैलावट होते हुए आप ये समझिए ये 67 ग्राम का है जी, लाइट वेट है जिसके अंदर टॉप्स भी इंक्लूड है। अच्छा, हो सकता है इसकी लेबर, मैं कहूँ जी मैं लेबर औरों से सस्ती दूंगा, लेबर अगर सस्ती होगी तो उसके अंदर आर्ट वर्क नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आर्ट वर्क अच्छा कराना है जिसमें बारीक कारीगरी का काम हो तो हमें कारीगर लेबर मांगता है। अगर ये ग्राम, ये 100 ग्राम से ऊपर का हुआ तो हो सकता है आपको सस्ता पड़े, पर ये 70 ग्राम में है, वो 30 ग्राम के पैसे जो बचते हैं वो आप ये देखिए पीछे से। अच्छा, यहाँ से एक एक चीज कारीगर हाथ से निकालता है सोना, इसके अंदर पीछे पूरा खाली है। अगर यही मैं आपको 100 ग्राम दूं तो ये चीज आपकी 6 लाख की है। बिल्कुल, और ये 70 ग्राम होते ही ये चीज आपकी 4.5 लाख की हो गई। ठीक बात है, आपकी 100 रुपए ग्राम की एक्स्ट्रा लेबर से आपके कम से कम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर आपके रुपए कितने बच गए, 1.5 लाख होते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ आपको हम लोग फायदा कराते हैं, सिर्फ सस्ती लेबर नहीं, हम फिनिशिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब 100 ग्राम वाला जो चोकर सेट देखिए कितना बेहतरीन बना रखा है, 70 ग्राम में 70 ग्राम। क्या आप ये देखिए आपको 70 ग्राम के पैसे दे, बहुत ही शानदार। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपको सिर्फ, मैं कहूँ जी सस्ता रहे, हमारे यहाँ औरों से सस्ता है जी। हाँ, हमारे यहाँ औरों से अच्छी फिनिशिंग है, बेटर फिनिशिंग है जी, हम लोग अपनी फिनिशिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। क्या बात, ये देखिए एक और सेट दिखा रहे हैं यहाँ पर, कारीगरी की खाली फिनिशिंग फ्रंट से नहीं जी, आपकी बैक से भी पता चलती है। ये देखिए कहीं सोना एक्स्ट्रा तो नहीं थोप रखा। अच्छा, बिल्कुल देखिए, अच्छा कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीजें बहुत बारीक वर्क करा गया है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से करा गया। 22 कैरेट में ऐसा किसमें ही है? सब 22 कैरेट में, सब 22 कैरेट में, 22 कैरेट में। अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहे तो 18 कैरेट में भी बनवा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 18 कैरेट के चार्जेस देंगे और 18 कैरेट भी हॉलमार्क रहेगा। ओके, मतलब डायमंड ज्वेलरी तो सर के पास मिली जाती है, गोल्ड के भी देखिए ऑप्शन सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ज्वेलरी रखते हैं जी, ज्यादातर ब्राइडल सेट्स, ब्राइडल नेकलेस सेट, कड़े जी, ये सब रखते हैं। ओके, ब्राइडल के अंदर हम डायमंड पोलकी का भी आपको दिखा सकते हैं। डायमंड पोलकी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज, हमारे पास जो डायमंड पोलकी के सेट्स होते हैं जी, ये देखिए। अच्छा, ये डायमंड पोलकी के सेट है जी, ये देखिए। अमूमन डायमंड पोलकी की जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर पीछे लाक होती है। हाँ, आप इसके पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे कोई लाक नहीं है। कोई लाक नहीं, ठीक बात है। ठीक है, मतलब कवर किया रहता है उसको, पूरा कवर करा रहता है, और एक लाक होती है जिसको आप वजन नहीं कर सकते कि आपका ऊपर लाक है तो यार इसके अंदर सोना कितना होगा। सही बात है, वो लाक के अंदर तो सोने में तुल जाती है। बिल्कुल, वो बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, इसके पीछे कोई लाक नहीं है, ओपन है, बिल्कुल पीछे से ओपन, और आगे से देखिए कितनी अच्छी डायमंड पोल की है। हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको अच्छे से मिल जाएंगी जी, और ये हम लोग बिल्कुल ये काम जो करते हैं ट्रांसपेरेंट है जी, कि कितना गोल्ड लगा है। अब आप ये देख सकते हैं, ग्लिटर देखते हैं दोस्तों, देखिए कितना जबरदस्त, देखिए ग्लिटर आपको देखिए डायमंड पोल की, मतलब कहा जाए तो अनकट डायमंड होते हैं सारे, ये सारे अनकट डायमंड है पर विदाउट लाक। बिल्कुल, आपने अभी तक जो देखे होंगे विद लाक देखे होंगे, ठीक बात है, पर ये विदाउट लाक है। ये पहनने में एक तो ये होता है कि विदाउट लाक है तो कस्टमर जितना गोल्ड का पैसा दे रहा है जी उतना ही उसको मिल रहा है, उतना ही उसमें गोल्ड लगा हुआ है। हाँ, ठीक बात है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, ये लाइट वेट हो जाते हैं, कस्टमर ज्यादा टाइम तक वियर कर सकता है। अब डायमंड पोलकी के लेडीज को बड़ी शिकायत आती है जी कि कानों के अंदर जब डालते हैं तो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, छेद से, और लॉन्ग टाइम तक वो डाल नहीं पाते, क्योंकि अगर 2 घंटे के फंक्शन में उनको डालना है, डायमंड पोलकी के जो टॉप्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, इतने हैवी होते हैं कि वो उसको वियर नहीं कर पाएंगे। पर हमारे यहाँ विदाउट लॉक है। अब ये देखिए
विदाउट लॉक है बिल्कुल। अच्छा। और लाइट वेट है, तो लाइट वेट होने से क्या हो सकता है, उनको वो 5-6 घंटे 7 घंटे इजिली वियर कर सकते हैं। और इसके अंदर साफ क्लियर है कि अगर ग्रॉस वेट इसके अंदर सपोज 300 ग्राम लिखा है तो नेट वेट इसके अंदर 204 ग्राम है, यानी 200 ग्राम के अंदर कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल। कि 100 ग्राम का लोग फालतू लगा देते हैं और उसको बताते नहीं है। ठीक बात। हम यहाँ 100 ग्राम कम हो गया, यानी 300 ग्राम का सीधा 100 ग्राम कम हो गया, मोती का भी आ गया, पोलकी का भी आ गया, स्टोन का भी आ गया, नेट वेट सिर्फ 200 ग्राम है इसके अंदर। तो ये जो बेनिफिट है ये बहुत जरूरी है। इतना अच्छा गेटअप आ रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गला भर गया जी, ऐसा नहीं लगता जोधा अकबर वाली पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐश्वर्या राय वाली फील कर रही है दोस्तों इस तरीके से। जोधा अकबर वाली बहुत ही शानदार। अच्छा सर, रफली अगर मैं बात करूं तो ये जैसे हम सेट दिखा रहे हैं ये नियर अबाउट किस कॉस्ट में आ जाएगा? ये आपका अप्रोक्स, मैं आपको बताऊं, ये अप्रोक्स आपका 25 लाख के अप्रोक्स। अच्छा, 25 लाख के पड़ेगा। बट आप ये समझिए कि इसके अंदर पोलकी है, कितने बड़े साइज की पोलकी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आर्टिस्टिक वर्क है सारा। दूसरी बात, इसके अंदर पीछे लॉक नहीं है, ये लाइट वेट है जी। लॉक होने से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रह जाती है कस्टमर। हम लोग, हमारे लिए कस्टमर पहले है। बिल्कुल जी। कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे और उसका हक भी बनता है जो कस्टमर पे कर रहा है कि इसके अंदर कितना गोल्ड होगा। ठीक बात है। हम लोग सिर्फ एक आइडिया बता सकते हैं, लाख है जी, कारीगर ऐसे बनाता है, पर हमारे किसी डायमंड पुलकी के सामान में लाख नहीं है। बिल्कुल, देख सकते हैं दोस्तों, मतलब देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, देखिए पूरा सेट है। अच्छा, इसी में अगर किसी को लाइट वेट चाहिए तो भी मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा ना लाइट वेट में। आपको डायमंड पुलकी का सेट दिखाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इससे भी लाइट वेट है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, छोटे में भी है? छोटे में भी है। ओके, ये देखिए क्या बात है, बहुत ही शानदार। और भी लाइट वेट है, वो भी दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, इस तरह का भी दे रखा है, बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है ये देखिए, डायमंड पुलकी की। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी में भी नहीं लाख है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एक सेट की बात नहीं है। राइट, आप ये देखिए लाख किसी में भी नहीं, किसी में नहीं। ठीक बात है, ये देखिए। ठीक है ना। और यही ट्रांसपेरेंसी है कि कस्टमर के साथ इसको बनाने में टाइम लगता है। बिल्कुल। लाख वाले सेट हो सकता है लेबर सस्ती हो, मैं हम इसमें का लेबर ज्यादा होगी औरों के मुकाबले, बट बिल्कुल कस्टमर को नाना करके भी अगर लाख वाला सेट 10 लाख का है तो हो सकता है उसको ये 6 लाख का ही पड़े। ठीक बात है। फिनिशिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं, इतनी बेहतरीन फिनिशिंग देखिए, और ग्लिटर देख सकते हैं। आपको सकता है कैमरे में ना पता चल रहा, लेकिन शाइनिंग बहुत ही अच्छी दे रखी है। अच्छा सर, जैसे हम ये पोलकी डायमंड होते हैं, ये भी सर्टिफिकेट बेस्ड होते हैं? सर्टिफाइड, आप इनका सर्टिफिकेट करा सकते हैं, इनके डायमंड की क्वालिटी का जी, इनके गोल्ड का, हॉलमार्क का, इनके स्टोन्स का, सबका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि सब लैब में जाते हैं, सर्टिफाइड होकर आते हैं हम लोगों के पास, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सारे नेचुरल हैं जी, इसमें भी सारे नेचुरल डायमंड लगे हुए हैं, इनमें भी सारे नेचुरल डायमंड लगे हुए हैं, सारे नेचुरल डायमंड है। ठीक बात है। देखिए एक से एक आप लोगों को खूबसूरत से सेट मिल जाएंगे, जैसा भी आप लोगों को चाहिए दोस्तों। ये देखिए हैवी सेट अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से रिंग्स दिखाता हूँ। ये देखिए लेपर्ड रिंग, हम लोग एक कारीगर बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। देखते हैं डिजाइनिंग फिनिशिंग आपको देखिए एकदम अलग यहाँ पर देखिए मिल रही है, क्या बात है। न्यू न्यू डिजाइन देखिए इस बार, देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही शानदार। ये प्रिंसेस का डायमंड रिंग। अच्छा, क्या बात है। मतलब जैसे जैसे मैं डायमंड में बात करूं तो इसमें अपने पास डिजाइनिंग सारी मिल जाएगी सर? डिजाइनिंग राउंड भी है, ओवल भी है, ओवल भी है, प्रिंसेस भी है जी, हर्ट शेप सॉलिटर भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा। ओवल के भी सॉलिटर्स मिल जाएंगे। ठीक है। ब्रासलेट्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये देख सकते हैं ये जेंट्स के कुछ यूनिक डिजाइन है। अच्छा, क्या बात। जेंट्स के अंदर लोगों के पास वैरायटी कम होती है, जेंट्स के लोग सोचते हैं कि जेंट्स के अंदर रिंग्स के अंदर क्या आती है सिंपल। बिल्कुल। पर ये देखिए इनकी डिजाइनिंग, साइड डिजाइनिंग, क्या बात। अच्छा सर, जेंट्स की डायमंड की रिंग की बात करूं तो कितने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास? जेंट्स की डायमंड रिंग ऑलमोस्ट 30,000 से हमारे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 30,000 से स्टार्ट है। 30,000 से स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिटर में चाहिए किसी को? सॉलिटर में चाहिए तो मैंने क्या, जैसे कहा कि डिपेंड ऑन सॉलिटर साइज, डिपेंड ऑन सॉलिटर साइज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। 50 सेंट हाफ कैरेट का होता है, 1 कैरेट का होता है, 2 कैरेट का होता है। अच्छा, वो हर्ट शेप डायमंड है या प्रिंसेस का डायमंड है, राउंड शेप डायमंड है, डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या डायमंड की क्वालिटी चूज करते हैं। दूसरी बहुत सारी जरूरी बातें हैं कि हम लोग डायमंड कर लेते हुए कई बार सोचते हैं ये हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायमंड ज्वेलरी आज की तारीख में लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं रही बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का दिन पे दिन बेटर होता जा रहा है, और स्टैंडर्ड लिविंग बेटर होने से लोगों का लग्जरियस गुड्स के तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सही बात। आज की तारीख में लोग ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड शूज की तरफ जा रहे हैं और उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। नहीं होती, सही बात है। पर तभी ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का क्रेज लोगों में इसलिए बढ़ा है
क्योंकि लोगों को लगता है कि एक स्टैंडर्ड एक क्लास हमें दिखना चाहिए बताना चाहिए, वो एक उसकी तरफ अट्रैक्शन इनकी तरफ इसलिए आ रहा है डायमंड ज्वेलरी की तरफ। उनकी आफ्टर सेल वैल्यू सब कुछ दे रखा है प्रॉपर, आफ्टर सेल वैल्यू मतलब आपको 10% काट कर हमेशा रहेगा, 10% ऑन डायमंड और लेबर डिडक्ट करके, राइट, जो भी लेबर है सपोज किसी भी सेट की, लेबर तो हर कोई काटता है, लेबर तो कटेगी, डायमंड की वैल्यूएशन के ऊपर 10%। मैं दोबारा से इसको डिटेल में बता देता हूँ। सपोज आपने 1,00,000 का कोई सेट लिया, ठीक है, और उसके अंदर 50,000 का गोल्ड है वैल्यू है, 45,000 की उसकी डायमंड वैल्यू है, ठीक है, और 5,000 की उसकी लेबर है, तो 5,000 लेबर डिडक्ट हो जाएगी, 45,000 के ऊपर उसका 10% डायमंड डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो गोल्ड वैल्यू है जो करंट वैल्यू रहेगी वो रहेगा। सपोज आप मान के चलिए कि आपके कितने कटे 4,500 पे 5,000 की लेबर, तो टोटल 1,00,000 की वैल्यू पे अप्रोक्स आपका 10% डिडक्ट होगा। और अगर गोल्ड का रेट महंगा हो गया तो बेनिफिट है आपको, मतलब जितने में आपने लिया उतने में ही आप उसको चेंज कर सकते हो या ज्यादा भी आपको मिल सकता है। बहुत बार होता है, बिल्कुल ये बहुत बार होता है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ज्वेलरीज आप लोगों को देखिए वाचिया ज्वेल से पूरी बेहतरीन मिलने वाली, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं इस तरीके से। आजकल सिंगर्स या एमसी स्टैंस की जो ज्वेलरी होती है या बहुत फेमस है, हो गए बिग बॉस में भी जीते थे, तो क्या बात है, ये चेन बना रखी है सर। हाँ ये पूरी चेन है, जेंट्स की चेन है ये। अच्छा, इसको क्यूबन चेन बोलते हैं। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। कितने वेट में होगी सर बात करें तो? ये अप्रोक्स 150 ग्राम में है, 150 ग्राम में है, ठीक है। और इसकी डायमंड लगने के बाद इसकी वैल्यूएशन अप्रोक्स 20 लाख के आसपास 20 लाख हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये भी क्यूबन चेन ही है, ये भी जेंट्स चेन है, पूरी डायमंड लगेंगे, बिल्कुल इसकी वैल्यूएशन और इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। बहुत ही शानदार, ये लाइट चोकर है, ये आपका नॉर्मल चोकर के जो डिजाइनिंग होती है वो ये होता रहता है कि हमारे चोकर 10 लैक्स में 12 लैक्स में, ये आपका बैठेगा 4 लैक्स के अप्रोक्स। अच्छा, 4 लैक्स के रेंज में पड़ेगा पूरा चोकर सेट पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का डायमंड ज्वेलरी का या ज्वेलरी का हमारे इंडियन कल्चर में एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक बात, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, तो बिल्कुल। और इमोशन ये जुड़ा हुआ है कि हर एक लेडी ये चाहती है कि वो अपनी बेटियों को शादी पे कोई डायमंड की रिंग या ज्वेलरी गिफ्ट करे। बहुत लोग ये सोचते हैं डायमंड बहुत महंगा है, हम लोगों को नहीं लेना चाहिए या कुछ नहीं, पर बजट में नहीं आएगा, बजट में नहीं आएगा, पर आज की तारीख में मैं आपको डिजाइन दिखाऊँ, ये सेट आप आज की तारीख में ऑन एन एवरेज अप्रोक्स 1,10 का 1,12 का बैठेगा। अच्छा सर, 1,10,000 का, और 1,10,12 के अंदर आपके सिर्फ 2 तोले की चेन आती है। ठीक बात है, डायमंड की आपका 1,10,000 के अंदर अगर ये सेट है तो आप ये सोचिए कि उस मदर के लिए क्या इमोशन होगा जो अपनी बेटी को चेन की जगह डायमंड का सेट देगी। सही बात, और वो बेटी भी कितनी खुश होगी। बिल्कुल, मतलब देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी रीजनेबल रेट में देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए सेट वगैरह मिल जाएंगे डायमंड के, एक से एक शानदार। ये बुल्गारी का डिजाइन है। अच्छा, कले भी है, चोपड़ा ने पहना था जी, ब्रांडेड ज्वेलरी का, क्या बात, ये एक डिजाइन है, बहुत ही शानदार। ये देखिए दोस्तों ये सारे डायमंड लगे हुए हैं, सब डायमंड लगे हुए हैं। अच्छा, सारे डायमंड लगे हुए हैं। ये व्हाइट गोल्ड येलो गोल्ड देख सकते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है। और दूसरी बात, हमारा व्हाइट गोल्ड रहेगा जी, और जो रोज गोल्ड है वो अंदर से भी रोज गोल्ड है। अच्छा, अंदर से भी। हाँ, सपोज आपका ये मतलब पॉलिश नहीं है, पॉलिश नहीं है, ऊपर की पॉलिश नहीं है, बिल्कुल अंदर से भी है। जब कई बार लोगों को ये शिकायत रहती है कि पॉलिश हट जाएगी या निकल जाएगी, ठीक बात, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर रोज गोल्ड है तो अंदर से भी रोज गोल्ड होगा जी, व्हाइट गोल्ड अंदर से भी व्हाइट गोल्ड होगा, उसके नए अलॉयज मिला दिए जाते हैं जो उसका कलर प्रॉपर चेंज हो जाता है। बिल्कुल, प्योरिटी ऑफ गोल्ड वही रहेगा, अगर 14 कैरेट है 14 ही रहेगा, 18 रहेगा, बट कलर उसका अंदर से चेंज हो जाता है, जिससे लॉन्ग लास्टिंग आप उस चीज को पहन सकते हैं, दिखा सकते हैं, और कभी वो उतरता नहीं है, खराब नहीं होती। ठीक बात है, ये देखिए ये सारे कले के रेंज दे रखी है सर। हाँ जी, क्या बात है, ये जैसे मतलब काफी अच्छे से भी बना रखे हैं सर, हैवी बना रखा है, हैवी ब्रेसलेट्स भी हैं। अच्छा जी, ये देखिए क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कड़े या ब्रेसलेट की बात करूं सर तो कितने से अपने पास स्टार्ट हो जाएगा इसमें? नॉर्मल ब्रेसलेट हम लोगों के ये देखिए ये 50,000 के अंदर है। अच्छा, हाँ ओके, 50,000 की रेंज में, 50,000 की रेंज में, एक तोले सोना भी नहीं आता और डायमंड का ब्रेसलेट आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आपको स्टार्ट हो जाएगी। और रेंज जहाँ तक बढ़ाने की बात है जी, तो आप मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हैं, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा आपको मतलब डिजाइन चाहिए, जैसा आपका डायमंड उसमें लगा होगा उसके हिसाब से रेंज ऊपर नीचे होती रहेगी। हम लोग डिजाइनिंग के साथ साथ फिनिशिंग, इन दो चीजों पे हम बहुत ध्यान देते हैं। सबसे पहले डिजाइनिंग, फिनिशिंग, और थर्ड जो चीज आती है कि जो इसके अंदर प्योरिटी ऑफ गोल्ड है ना ही जाए,
आपके पास प्रॉपर जितना सेंट डायमंड लगा हुआ है एक सेंट का भी फर्क ना है, तो ये सारी चीजों पर हम बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल, कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है लेडीज की कि उनकी जो गर्दन में स्टिफनेस रहती है, कई सेट चोकर्स वगैरह रहते हैं उनमें स्टिफनेस बहुत रहती है, पर हमारे यहाँ पर जो इस चीज पे ध्यान देना चाहता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रह सकती है। अच्छा, आप ये देखिए, ये किसी भी गले में आ सकता है। क्या बात है, ये देखिए, कई कई लोगों की जो यहाँ पर होती है कॉलर बोन यहाँ उठी भी होती है, कई बार कई लोगों की उठी भी नहीं होती, नॉर्मल होती है, पर जो चोकर या डिजाइनिंग सेट है वो यहाँ के फंस जाते हैं गले में, और ये परेशान करते हैं कि हमारा सेट थोड़ा सा उठा हुआ है, फिनिशिंग नहीं आ रही हमारे, हाँ हमारे हमारे यहाँ पर फिनिशिंग नहीं आ रही तो हम पहन नहीं पा रहे, वो सुंदर तो लगता है पर उनको ये लगता है नहीं कुछ कमी है, जिसकी फिटिंग की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो हम लोग को अक्सर ये रहता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे किसी भी सेट के साथ, किसी भी काम के। देखिए मतलब कितना स्मूथ, देखिए पूरा नीचे से बना रखा है, मतलब कहीं से भी देखिए आपको कहीं चुभने की कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए क्या बात है, बहुत ज्यादा। और ये जो आप ये देखिए ना जी, अच्छा ये देखिए ये लो जी, मतलब पूरी मुट्ठी में आ जा रहा है सर, ये क्या बात है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है सर, ये आप ये देखिए ना, बिल्कुल, मतलब ये है वर्कमैनशिप, देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे ज्वेल पे ही मिलेगी, देख सकते हैं इस तरीके से फाइन फिनिशिंग, बहुत ही शानदार। अच्छा सर, जैसे हम डायमंड ज्वेलरी तो हर जगह मिलती हैं, हाँ जी, बाहर मार्केट में जो शोरूम्स हैं बड़े बड़े या ब्रांड हैं, तो उनसे कंपेयर करें तो अपने पास क्या डिफरेंस होने वाला है? डिफरेंस ये होने वाला है जी, बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर, मैंने जैसे शुरू में कहा जी, हम लोग एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं, पुड़ी आती है हम लोगों के पास। बिल्कुल, तो नॉर्मल ज्वेलर से भी कंपेयर करना चाहूँ तो 30-40% का डायमंड के रेट्स में फर्क आएगा। अच्छा, इतना रहेगा, गारंटी है। ओके, और अगर बड़ा शोरूम हो जाएगा तो डिपेंड कि उसमें ज्यादा फर्क आ, बिल्कुल डबल का भी रखा कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है जी, पर नॉर्मली 30-40% का नॉर्मली फर्क रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, डायमंड ज्वेलरी के अंदर मतलब अगर वहाँ पे 1 लाख का है तो यहाँ पर नियर अबाउट 70,000 में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, रेट से अलग चीज है, मैं फिनिशिंग में भी कहूंगा कि फिनिशिंग में भी फर्क रहेगा। ठीक बात है, ये देखिए क्वालिटी और वैरायटीज आप लोगों को मतलब जबरदस्त देखिए यहाँ पर सर के पास मिलने वाली है। हमारे पास सारे फैंसी शेप्स के भी आपको सॉलिटेयर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। अच्छा, बड़े डायमंड भी मिल जाएंगे, बड़े डायमंड भी हो जाएंगे, आप ये देखिए इसके अंदर एमरल्ड कट डायमंड्स भी मिल जाएंगे, राउंड भी मिल जाएंगे, पियर्स भी मिल जाएंगे, हर्ट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये राउंड भी है, ये कुशन कट डायमंड भी है, मतलब कि आपको अगर फैंसी शेप्स के भी रिलेटेड हमें कॉन्टेक्ट करना हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे बहुत ही शानदार, ये सारे आप हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं बकायदा। बिल्कुल, और इनका सर्टिफिकेट्स वगैरह सब आपको मिलेगा। ओके, प्रॉपर हर चीज के साथ। ठीक है ना, मतलब बड़े छोटे जैसा भी आपको बनवाना हो, सॉलिटेयर रिंग बनवानी हो, कुछ बनवाना हो, जो भी कुछ बनवाना हो जी, वो सारे आप इस चीज के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, सर्टिफाइड डायमंड के ऊपर जी लोगों को एक लेजर एंग्रेव्ड होता है हर एक पीस के ऊपर, जैसे उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये लोगों के ऊपर सॉलिटेयर पे दिख नहीं पाता। अच्छा, देख इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो आई ग्लास लगा के देख नहीं पाते। तो मैं देख बताना चाहूंगा, हमारे पास ये मशीन भी है, माइक्रोस्कोप भी रखा है। ये माइक्रोस्कोप है, ये देखिए नंबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल 1437 आखिर में लिखा हुआ है। ठीक बात है, मतलब सेम देखिए आपको जो है, और यहाँ पर भी 1437 सर्टिफिकेशन है। कोई मैं हम लोग के यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश रहती है कि जितना ट्रांसपेरेंस हो सके जी, उतनी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी तो हमारे साथ हमारा कस्टमर जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ग्राहक भगवान होता है, और हमारा व्यवहार हमेशा ये रहना चाहिए कि ग्राहक के साथ जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना बेटर रहेगा। गोल्ड अगर किसी ने ओल्ड गोल्ड सेल करना है, हाँ, तो हमारे पास मशीन भी लगी हुई है, ठीक है, उसके अंदर विदाउट मेल्ट करे हम उसका ओल्ड गोल्ड टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, उसको सेल करना होगा हम सेल भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ओल्ड गोल्ड बिना मेल्ट करे वो चेक करवा सकता है। अच्छा, और बेचना चाहे दे सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बाय बैक का सारा ऑप्शन दे रखा है, बाय बैक भी है, और अगर उसको उसके बदले कैश भी चाहिए ओल्ड गोल्ड देने के बदले तो वो भी हम उसको। अच्छा, वो भी ऑप्शन दे रखा है। ओके, मतलब हर तरीके से देखिए आप लोगों को डायमंड ज्वेलरीज एक से एक देखिए सबसे जबरदस्त और सबसे रीजनेबल रेट के साथ देखिए मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए एक और सेट से हमने निकाल दिया, यहाँ पर वैरायटी तो आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत ही शानदार। ये देखिए क्या बात है, अच्छा ये सारा पूरा हमारा ये डायमंड दे रखा है, नेचुरल डायमंड रहेगा, सारा नेचुरल है हमारे यहाँ पर, कोई सीवीडी, कोई मोजोनाइट, किसी चीज का वर्क नहीं होता। ठीक बात, सारे नेचुरल डायमंड के, नेचुरल डायमंड के देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक से एक वैरायटी, देखिए रेंज आप लोगों को भरपूर मिल जाएगी। अभी तो हम आपको कुछ वैरायटीज और सैंपल ही दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप लोगों को और डिजाइनिंग अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करना है, विजिट कर सकते हैं वाचा ज्वेल्स के अंदर जी, आप आ सकते हैं। हम आपको अगर आप पैन इंडिया में हैं, सपोज इंडिया से दिल्ली से बाहर हैं जी, हम लोग दिल्ली बिलोंग करते हैं और करोल बाग रेगरपुरे में है, राइट। अगर आप यहाँ से बाहर हैं, आप दिल्ली से बाहर हैं, अगर सपोज आप साउथ इंडिया में भी हैं जी, तो हम आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको चीज पसंद करा सकते हैं। ठीक है, और आपके डोर स्टेप के थ्रू, लॉजिस्टिक के थ्रू आपके डोर स्टेप के
ऊपर आपकी ज्वेलरी पहुंच जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल इंश्योरेंस होकर जाती है, हमने भेज रखी है, हमारी जाती आती रहती है। कोयम्बटूर वगैरह भी गई हुई हम लोगों की, हमारी त्रिची कर्नाटका में, अच्छा, और आपके तिरुवनंतपुरम, आपके गुजरात के अंदर हम लोगों की जाती रहती है। और मतलब ऑल ओवर से कस्टमर जो है डील करते हैं आपसे? बिल्कुल, कस्टमर से डील करते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनको दिखाए जाएंगे सेट्स, उनको पसंद कराए जाएंगे, उनको सारी बातें करी जाएंगी और उनके डोर स्टेप के ऊपर लॉजिस्टिक के थ्रू भिजवाया जा सकता है। 1 अप्रैल 2023 से जी वाचे ज्वेल्स एक सर्विस शुरू कर रहा है अपने हर कस्टमर के लिए, जो भी आना चाहे। प्रयागराज से पंडित जी हम लोगों ने स्पॉन्सर करे हैं, अच्छा, जो नॉर्मली एक बार विजिट करने के लिए 1 घंटे के लिए अगर आप उनको दिखाना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आपकी चाइल्डलेस प्रॉब्लम होती है जी, आपकी मैरिज प्रॉब्लम होती है, या आप लोग बच्चों की कुंडली दिखाना चाहते हैं शादी से रिलेटेड जी, तो वो लोग वो देखते हैं। वो 1 घंटे के चार्जेस ऑलमोस्ट 5100 रुपये करते हैं करीब, अच्छा जी। पर लेकिन वाचा ज्वेल्स के थ्रू अगर आप दिखाते हैं तो वो 1100 रुपये चार्ज करते हैं, अच्छा। और 1 अप्रैल के बाद वो हर सैटरडे संडे डेली विजिट करेंगे और वाचा ज्वेल्स के ऑफिस में आएंगे। अगर आप कभी भी आके दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, वो 1100 रुपये लेंगे 1 घंटे के, और आप उनको यहाँ पर दिखा मतलब सकते ये भी एक सर्विस देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग चाहते सर की तरफ से मिलने वाली है। हाँ, ये हमारी तरफ से मिले, हम लोग चाहते हैं दिल से कि हर आदमी खुश रहे जी, क्योंकि हमारी एक ज्वेलरी का इमोशन, मैंने क्या कहा, इंडियंस के लिए पैसे से याद है ना, खुशी से जरूरत है। बिल्कुल। अगर वो खुश होगा तभी तो वो हमारे पास आएगा। सही बात है। इसलिए वाचा ज्वेल्स उस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही है कि उसको सिर्फ 1100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बाकी वाचा ज्वेल्स स्पॉन्सर करेगा। सर यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे मतलब आने का क्या प्रोसीजर है, कैसे? बिल्कुल आ सकता है जी, हम लोगों का जो ये आउटलेट है जी करोलबाग के अंदर है, रैगरपुरी में है, और आप GMB पे भी गूगल पे भी वाचा ज्वेल्स सर्च कर सकते हैं, और जूल्स वहाँ पर उसके ऊपर एड्रेस आ जाता है बकायदा, ठीक है, और वो सर्च करके आप यहाँ पर उसके डायरेक्शंस वगैरह आ जाती हैं और आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेंज वैरायटी लेडीज जेंट्स के लिए सब कुछ कंप्लीट है, बिल्कुल है, यहाँ पर भरपूर मिल जाएगी, भरपूर मिल जाएगी, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, जैसे भी ज्वेलरीज आप लोगों को चाहिए, चाहे पर्सनल यूज या मैरिज फंक्शन के लिए, तो हर तरीके से देखिए आप लोगों को बेहतरीन यहाँ पर रीजनेबल रेट के साथ सारी ज्वेलरीज की वैरायटीज मिलने वाली है।